देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। वसई सत्ता में आपका स्वागत है। यूं तो कोरोना काल ने हर किसी के जीवन पर गहरा असर डाला है, हर इंडस्ट्री पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है, मगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री पर इसका बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिलता है। बॉलीवुड एक चमक दमक वाली दुनिया है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है, जिसकी जेब खाली है, जिसके पास महीनों से काम नहीं है, उसे भी अपनी चमक दमक बरकरार रखनी पड़ती है। मगर कोरोना काल में हर कोई अपनी हिम्मत हारने लगा है। हालांकि अपना दर्द कैमरे पे बयां करना, सोशल मीडिया में आकर सबके सामने अपना दर्द बयां करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक कलाकार है राजेश करीर, जी हाँ, इन्होंने सोशल मीडिया में सबके सामने आकर अपना दुख दर्द बयां किया है। आइए हम जानते हैं वो क्या कहते हैं। मैं राजेश करीर, आर्टिस्ट हूँ। आई होप के बहुत सारे मेरे साथी दोस्त पहचानते होंगे मुझे। बात यह है कि अगर शर्म करूंगा तो ये ज़िंदगी बहुत भारी पड़ने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा। बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से कि मुझे मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। हालात बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। मुंबई में फैमिली के साथ रहता हूँ 15-16 साल से, वैसे भी काफ़ी टाइम से खाली था मैं, और अब तो 2-3 महीना हो गए कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लोगों से बस इतनी ही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भले ही 300, 400, 500 डालें, मेरी इतनी अगर मदद करेंगे तो, क्योंकि शूटिंग कब स्टार्ट हो कब ना हो कुछ पता नहीं है, और मुझे काम मिले कम मिले ना मिले कुछ पता नहीं है। लाइफ एकदम प्रॉक्सी हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जीना चाहता हूँ, हार नहीं चाहता। इतनी मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई 300, 400, 500 कितना भी करें, ताकि मैं पंजाब वापस जाना चाहता हूँ। जाके कोई ना कोई छोटा मोटा काम शुरू करूँगा, एक्ट के जब होगा तो वक्त तय करेगा। जी हाँ, यही वो वीडियो है जिसकी वजह से बदल गई अभिनेता राजेश की जिंदगी। हमारे सहयोगी राजू बोहरा ने राजेश करीर से फोन पर बातचीत की, प्रस्तुत है उसके। हेलो, हाँ जी, राजेश जी नमस्कार। राजेश जी बोल रहे हैं। जी नमस्कार, हाँ जी, राजेश जी बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर, दिल्ली से जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, राजू बोहरा। हाँ जी सर, राजू जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी मुझे कई न्यूज़ें पढ़ी है मैंने कि आपकी पोजीशन, लोगों ने आपकी मदद की है, वो बहुत अच्छी बात है, और ये भी पता लगा कि सोनू सूद भी कुछ आपकी मदद करने वाले हैं शायद। तो सोनू सूद जी, वो भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, वो भी पंजाबी है सर, मैं भी पंजाबी। मेरे तो घर बहुत पुराने मित्र हैं वो। मैं 2003 में मैंने उनका पहला इंटरव्यू छापा था, शहीद आजम जब आ रही थी पंजाब के सीन में। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि सोनू जी आपकी क्या मदद कर रहे हैं, मतलब घर सोनू जी का फोन आया था मेरे को। जी वो बोले कि जब जाना हो तो 2 दिन पहले बता दीजिएगा, टिकटें करवा दूंगा मैं आपको। हाँ हाँ, वो भेज रहे हैं आज भी, उन्होंने उत्तराखंड 180 लोग भेजे हैं। देहरादून बहुत बेहतरीन काम कर रहे सोनू भाई। नहीं वो तो वो इंसान तो हीरा है, क्योंकि मेरा मेरे भी फैमिली फ्रेंड है, हीरा है हीरा, 2003 से मेरे मित्र हैं। तो इस दौरान तो मैंने उनसे मतलब सिर्फ उस पर बात हो रही है, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे, इतने बिजी हैं वो, और सल्यूट है उनको। तो ये मुझे आज पता लगा कि उन्होंने भी कोई कुछ आपको मतलब बात की थी आपसे ना। हाँ आया था फोन मेरे को, क्योंकि सिचुएशन इंडस्ट्री की क्या उनको पता है, उनको पता है। जी तो उसपे ज्यादा हम बात करें तो उसको मतलब नहीं, सीधी सी बात देख लेंगे कि भाई टीचर यहाँ पे हाँ, आप जैसे आज की डेट में तो हजारों लोग हैं, है ना, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत है, बहुत है। तो ये मतलब आप सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से करते हैं, कुछ ऐसा बनाया जाए, काम शुरू किया जाए, क्या किया जाए?
सरकार बहरी नहीं है, अंधी नहीं है, इसको सब सुनाई देता है। आपको सोचेगा मेरी आवाज सेंटर तक पहुंची नहीं। हाँ सर ठीक कह रहे हो, ठीक है। जो साली अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, चाइना तक आवाज पहुंची मेरी, तो क्या ये दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंची? ठीक कह रहे हो। लेकिन अगर मैं देखिये मेरी बात सुनो, मैं जी अगर जरूरत होगी भीख मांगूंगी तो जो मेरे सामने खड़ा दिखाई देगा उससे मांगूंगा सर, मैं मोदी या किसी और का इंतजार नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मुझे जीना है सर। मोदी जी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी अप्रोच नहीं है सर मैं मोदी जी को या किसी और को सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी पोलिटिकल में अप्रोच कर रहा हूँ। सीधी बात है। तो अभी मदद करने वालों में कोई सरकार भी शामिल है आपके मदद करने वालों में? नहीं नहीं सर, कोई सरकार और कोई मदद नहीं करने वाला ना मुझे जरूरत है सर मदद की सरकार की। सीधी सी बात। जी 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 बिल्कुल। मेरी जो प्रॉब्लम थी एट प्रेजेंट सिचुएशन थी वो मेरी सॉल्व हो गई है जी। परमात्मा बहुत शुक्रिया। आगे सर मेरी ड्यूटी है कि मैंने परिवार की परवरिश कैसे करनी है सर। जी बिल्कुल। आप तो मुझे अपना कर्म ही कर रहे ना सर, एक्टिंग इतना अच्छा बढ़िया हुनर में तो दे रखा है। हाँ बिल्कुल। तो मुझे ये है थोड़ा बैड पीरियड जो आ गया था मेरा, बल्कि किनारे हो गया मेरा साइड में जिंदगी जो है वो बच गया सर। मेरी वाइफ और मेरा बेटा ग्यारह साल का। अच्छा अच्छा जी जी सर। तो समझ रहे की भाई अगर मैं टमाटर हो जाऊंगी तो वो तो कपड़ा भी खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे मैंने बचा लिया। रही बात हिम्मत की सर, तो पंजाबी आदमी हिम्मत तो बहुत है। इससे बड़े बड़े सर संघर्ष देखे जिंदगी में मैंने। इसमें एक आप एक तरीके से एक रोल मॉडल भी आप बन गए अभी कि अभी कुछ एक दो केस आए हैं जिन्होंने मतलब वो किया, सुसाइड भी किया है ना। तो आप कोई हाँ हाँ आप कोई इंडस्ट्री को मैसेज देना चाहते हैं भाई कि आप शर्म ना करें, आप अपनी समस्या बताएं है ना। मतलब वो उस तरह न जाके आदमी, तो आपकी वाली बात है ना कि जब तक आदमी बच्चा रोता नहीं तो दूध नहीं पिलाती माँ। वो ठीक आप बैठ के सोचते रहेंगे बीमारियां गिर जाएंगी आपको और डिप्रेशन में चले जाओगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सर। लेकिन जिंदगी में मेरा एक ही सोचा, मैं जो भी काम करता हूँ बेहतर बदले से करता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। ना सोचा कभी समझा, जो दिल में है कर डाला सर मैंने। नहीं नहीं वो तो ठीक बात है, समझे कि नहीं। तो अगर आपको जरूरतमंद है आप तो बेझिझक अपनी आवाज बुलंद करिए। कोई यार दोस्त मित्र ऐसे कोई मदद नहीं करने वाला। मैंने बहुत कोशिश की सर, पूरा एक डेढ़ महीना मैंने बहुत कोशिश की मुझे 2-4 हजार करके मैं पंजाब पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। इसलिए जब लास्ट मोमेंट आ गया कि भाई इसके आगे रास्ता मेरा खाई है और कुएं सब बराबर खड़े हैं, तो मैंने ये आवाज निकल गई मेरे जैसे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप चूंकि देखिए आप पंजाबी हैं है ना, तो पंजाबी का एक अपना बात करने का और उसके सोच का ही वो होता है। ऐसे ही सोनू है जिसका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, सोनू सूद का, वो जो आज काम कर रहे हैं, जो उन्होंने कर दिखाया है देश और दुनिया में, जो उनका नाम हो रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ से मतलब कहाँ से जज्बा आ गया होगा, क्या मतलब आप क्या आपका क्या ओपिनियन है? सर देखिए एक जो एक्टर होता है ना तो बड़ा इमोशनल होता है, उसके साथ अगर बेहतरीन इंसान भी है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। पर आप बुरा मत मानिएगा, मुझे 25 साल जर्नलिज्म में हो गए, सब एक्टरों पे इमोशन नहीं होते हैं अभी सर, मतलब बहुत बड़े बड़े भी इंडस्ट्री में जो अपना एंजॉय कर रहे होंगे लेकिन बहुत लोगों ने कुछ नहीं किया। सर सुनिए सुनिए सर, एक्टर और स्टार में बहुत फर्क होता है। ये ठीक है, ये एक्टर और स्टार में बहुत फर्क होता है। जो एक्टर भी और स्टार भी हो वही अच्छा इंसान होता है सर। जी 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 समझे ना सर, स्टार और सुपरस्टार में बहुत फर्क होता है। जी जी क्योंकि मैं 18-19 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने बड़े बड़े रॉयल लोगों के साथ काम किया, रॉयल काम भी किया, मैंने खुद भी वर्क किया, तो मुझे इतनी तो समझ आ चुकी है कि इंडस्ट्री क्या चीज है, कितनी गहरी खाई है इसका, कोई जिसका कोई अंत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो उसमें तो ये भी है कि कब किसका सितारा चमक जाए ये भी पता नहीं है, कुछ नहीं पता था कुछ नहीं ये, पता। ये एक ऐसा कोई बता नहीं सकता। तो मैं अपने भाइयों को टेक्नीशियंस जो है प्रोडक्शन में जो है स्पोर्ट बॉयज है उनको यही कहना चाहूंगा भाई कि शर्म मत करिए, शर्म करके आप खुद का नुकसान करेंगे, अपनी फैमिली का नुकसान करेंगे। जो भी आपको देखिए हर इंसान को पता होता है इसकी जरूरत क्या है, समझे कि नहीं। शर्म मत करिए, बेझिझक बोलिए और खुल के अपना हेल्प मांग रही है। वक्त ऐसा ही है, ये ऐसे ही कटने वाला है, क्योंकि उसका रीजन ये है सर कि इंडस्ट्री में काम अभी शुरू होने वाला नहीं है, कब शुरू होगा किसी को पता नहीं है।
तब उनको काम मिलेगा, ये किसी को पता नहीं है, तो जिंदगी कैसे कटेगी सर। पर सर ये भी तो मैंने देखा है कि बात तो तब दूर तक पहुंचते जब वायरल होती है, तो कितने मतलब ये मुझे लगता है एक दो दिन तो कोई बहुत ऐसा आपके पास वो नहीं हुआ होगा। ये भी तो सिस्टम एक बड़ा अजीबोगरीब है यहाँ कि सर पता क्या है, मैं बताऊँ आपको, मैं कोई राज जाता इंसान तो ये काम करेगा तो उसको को पूछेगा नहीं, समझेगा नहीं, वो वैसे ही संस्कार लगा लो, संस्कार के बाढ़ में मेरी तरफ से संस्कार तभी रहते इंसान जब इंसान जिंदा रहता है। जी जी जी, ये बात तो आपने वीडियो में बोली है, ये परफेक्ट बात है कि मैं चीजें निकल चुका हूँ, बहुत संघर्ष देखा मैंने। आप जो कह रहे हैं सर कि भाई वायरल होती है, भाई उसको उसके पर जो लायक होगा ना उसको उसी हिसाब से अपना उसकी रिस्पेक्ट होगी समाज में सोसाइटी में। अगर वो राज करता फेसबुक पर डाले उसको 100-200 भी देगा कोई, समझेगा सर आप। तो किसी किसी जैसे आप इतने लंबे 17-18 साल पुराने एक्टर हैं, आपके किसी साथी ने ये भी कहा यार हमें बताते पर्सनली तो हम आपकी मदद करते हैं? नहीं सर, मैं देखिए यहाँ पे मुंबई है, ये यहाँ पर कोई किसी का नहीं समझे सर, और एक्टर तो एक्टर कभी दोस्त हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको बोलता हूँ। कि मुझे लगता है कि आप जितने वर्षों से, हजारों लोग तो आपको मुंबई में जानते होंगे क्योंकि मुझे तो पता है सर, ऑल ओवर इंडिया जानते सर, मैंने शो किया था। नहीं नहीं, मैं एक्टरों की बात कर रहा हूँ जिसमें कि एक ऑडिशन होता है कम से कम 500 लोग होते हैं, बड़े शो के किसी के लिए होता है, तो है ना, किसको आगे बढ़ने की होड़ रहती है। तो मैंने शो का रखा बेगूसराय, पहले लीड करेक्टर किया था 15 साल, तो मेरी उस वजह से पूरे हिंदुस्तान में मेरी फैन फॉलोइंग कर लो, छोटी मोटी जाने वाले कह लो, सब मुझे प्यार करते हैं सर। आपने फिल्में भी की हैं एक दो शायद, कोई बड़ी फिल्म की हैं? 4-5 की हैं सर मैंने। हाँ, मतलब मैं दो फिल्मों का कोई नाम मिस कर रहा हूँ, दो बड़ी फिल्म आपने की हैं, मंगल पांडे अग्निपथ और अभी तीसरी की थी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा वो एक अभिनेत्री ने आपको 10,000 रूपए की शायद मदद भी की थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं जो जो शो में जो है वो सर मेरी शो में बेटी बनी थी, 15 साल हमने साथ ही काम किया, उसमें अच्छा करेक्टर था मेरा। जी जी, तो ऐसे उसने 10,000 दिया मुझे, शिवांगी जोशी। नहीं नहीं, बहुत बहुत बहुत। तो मैं सर एक ये बात जानना चाह रहा था, इसमें कोई बुराई नहीं है आप, क्योंकि आपने बड़ा अभी भी बड़ी है ना स्पष्ट बात कर रहे हैं, जैसे अभी ये सब वायरल ये हो रहा है कि आपने जो जोड़ दिया था कि आप पंजाब चले जाएंगे, इंडस्ट्री छोड़ देंगे, ये तो कोई जरूरी नहीं है, तो क्या मैंने ये कब कहा था मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा? हाँ, मतलब आपने कहा था घर चला जाऊंगा, पंजाब चला जाऊंगा। घर चले तो पंजाब सर को पाकिस्तान में, जब मुझे जंग जीत जाना पड़ेगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, सर्वाइव अगर आप कर सकते हैं तो। राजू जी, मैंने ऐसे नहीं कहा है किसी को भी। हाँ नहीं, वो वीडियो में ही बोला, जो भी बोला कि मैं घर जाऊँ। मैंने ये कहा, मैं देखिए मैंने बोला 4-6 महीने 8 महीने 7-1.5 साल, अभी यहाँ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है ना, तो मैं सर्वाइव कैसे करूँगा भाई? 6 महीने तो कम से कम ये लगने वाला। सुनिए, जब कोई काम शुरू नहीं होगा जी जी, तो मैं जाऊँगा किसके पास काम मांगने? बिल्कुल, जब काम ही नहीं होगा तो मैं भाई मेरे बच्चे की फीस है, स्कूल की, मेरे घर का खर्चा है, बिल्कुल करंट है, घर का, तो मैं कहाँ से दूंगा भाई? इससे बेहतर है खाली हो चुका हूँ मैं, एक किनारे होने वाला हूँ, उससे पहले और ज्यादा नुकसान हो जाए, अपने से दिल में निकाल दो आप। जी जी, मैंने निकाल लिया, और मैंने तो सर अपने फेसबुक पे फ्रेंड था सर 5,000 मेरे, मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना बड़ा वो प्लेटफॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपको सही बताऊं, मेरे एक मित्र हैं देवेंद्र खन्ना, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हूँ, 30 साल पुराने, मैंने अभी खुद ही उनसे बात हो रही थी, मैंने ये भी कहा कि ऐसा ना हो पंजाब चले जाए, जबकि वो इतने पुराने आदमी हैं, उनको लोग बुला के भी काम देंगे। कई बार क्या होता है, कोई अच्छा आर्टिस्ट भी होता है, लोग उसके बारे में जानते नहीं, उसकी वैल्यू नहीं जानते, वो है ना, अब फिर उनको पता लगता है यार आप तो यार 10 तो बड़े सीरियल कर चुके हो, 10 फिल्मों का हिस्सा रह चुके हो आप। नहीं नहीं सर, सुनिए सर, मेरी पंजाबी पंजाबी मूवीज का बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, हाँ मैंने ऑलरेडी बहुत बढ़िया काम किया बॉलीवुड में, उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा पंजाब जाके, छोटा मोटा काम शुरू करूंगा, जब मुंबई वापस बुलाएगी तो वापस आ जाऊंगा, इसमें क्या होता है। अच्छा, ये मैंने बोला सब जगह के, जब मुंबई बुला सर, मुंबई तो मेरे दिल में बसती है सर, 18 साल जिंदगी कितना इम्पोर्टेंट निकाल दी, इतना काम किया, हमारा दिल नहीं करता पंजाब जाने को सर, लेकिन मजबूरी है वक्त की सर। आप पंजाब में कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लुधियाना माछीवाड़ा से हूँ सर। अच्छा, लुधियाना में ना, तो इस तरह की कभी कोई अपील, जैसे हमने पहले सुना है
कि धर्म जी भी बड़ा मदद करा करते पंजाब के लोगों की, कभी कुछ ऐसा वो वास्ता रहा? वो किया करते थे सर, वो क्या कि मैं कुछ बोलूंगा तो क्या छोटूंगा बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, वो वक्त, वो दौर कुछ और था सर। हाँ ठीक कह रहे हो, ये भी ठीक है, वो दौर कुछ और था। आज करते नहीं करते मुझे पता नहीं है। हाँ करते हैं सुना मैंने, लेकिन क्या कि कॉन्टेक्ट में हो तब तो कुछ बात हो। अब स्पेशली मैं जाऊँ तो लॉजिक नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मुझे, मैं किसी में सर पूरा हिंदुस्तान मेरा सर, मैं किसी के पास स्पेशली क्यों जाऊं सर? नहीं बिल्कुल, मेरा देश मेरे कंट्री मेरे साथ खड़ी तो मैं किसी पर्सनली क्यों जाऊं सर? मैंने आमिर खान साथ भी काम किया, मैं ऋतिक के साथ भी काम किया, हरदीप हुड्डा के साथ भी काम किया, तो मैं पर्सनली क्यों जाऊं सर किसी से? नहीं बहुत बढ़िया, जब मेरे जब मैंने काम किया खुद पे भरोसा है सर का। हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने भी मेरा भी हक है इस देश पर, बिल्कुल मैंने एंटरटेन किया, तो मैं क्यों शर्म करूँ सर? शर्म करूंगा तो मेरा लॉस है, किसी का कुछ नहीं जाएगा सर। नहीं नहीं आपने ठीक कहा, बाद में लोग यही बोलेंगे कि साले ने हमें क्यों नहीं बताया, एक ही लाइन होती है लोगों के पास, मैं वो लाइन नहीं देना चाहता किसी को सर। बस ये कहानी सर। नहीं चलो चलो, ईश्वर करे कि आपको सक्सेस मिले, जिसके लिए आप ये 18 सालों 17 सालों से प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर करे कि वो भी मिले जो आपको मिलना, मतलब जो जिसके हकदार हैं आप,